हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की जो एडमिट कार्ड है 2022 की, उसकी बात करेंगे। आपको पता है 291 पदों पे भर्ती आई थी छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड सिपाही के पदों पे, और यह भर्ती 2021 में आई थी और अभी 2022 चल रहा है, और 2022 का भी जनवरी मंथ चल रहा है, तो अभी कोई कहीं नहीं जा सकता दोस्तों कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अभी पूरा दिसंबर बचा है, पूरा दिसंबर में। और हालात तो आपको पता है दोस्तों, हालात इतनी बिगड़ चुकी है कि कब लॉकडाउन हो सकता है और कब नहीं। यूपी में तो हो चुका है, कुछ कुछ ज़िलों में, छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िलों में हो चुका है, कई राज्यों में हो चुका है। और पता नहीं दोस्तों कि सरकार अभी छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड में ध्यान दे सकती है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की प्रवेश पत्र भी आएगी दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी फॉरेस्ट गार्ड की जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में आज को पूरी बायो डाटा आपको बताऊँगा। धन्यवाद। क्योंकि आज बात करने वाला है हम लॉकडाउन की स्पेशल की। हाँ दोस्तों, आराम से बोल रहा हूँ, एकदम समझना वीडियो को और पूरा देखना, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। आज पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा मैं छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड की। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा दोस्तों कि परसेंट वालों का आएगा कि नहीं आएगा। देखो दोस्तों, हर बार परसेंट का खेल था, हर बार परसेंट का खेल था दोस्तों। किसी भी भाइयों का जिसका 85 प्लस है उन्हीं को एडमिट कार्ड मिलता था दोस्तों, लेकिन इस बार कुछ अलग है, इस बार कुछ ऐसा अलग है। देख, लेकिन हर बार कभी एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों, परसेंट जिसका था उसका एडमिट कार्ड आ रहा था। फिजिकल मेडिकल ले लो, ऐसा चल रहा था भाई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार 65 वालों को आएगा, 55 वालों का भी आएगा। हाँ, पोस्ट कम है, कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा होगी कि 1000 में से एक बंदा बनेगा फॉरेस्ट गार्ड। ना मैं 2000 बोलूँगा, ना मैं 500 बोलूँगा, लेकिन हाँ 1000 बंदों में एक बंदा ही सेलेक्ट होगा। आपको एग्ज़ाम में भी फोन नंबर लाना होगा, फिजिकल में भी फोन नंबर लाना होगा, और मेडिकल में तो एकदम फिट रहना होगा दोस्तों। आपको मेडिकल में कुछ खास नहीं मांगा जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट की मामला है, कूद दौड़ तुम ये सब फिट रहते हैं तो फिर मेडिकल में ज़्यादा समस्या नहीं होती। और बात करेंगे आज एडमिट कार्ड की। तो देखो दोस्तों, अभी सीधा हम घुमाएंगे फिरेंगे नहीं, फिर फाइनल बताएंगे, फिर वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। देखे दोस्तों, सुबह का वक्त है, ठंडे लग रहा है, नाराज मत हो ना। देख मैं बता दे रहा हूँ, जो इसका एडमिट कार्ड है वो अभी जून जुलाई तक का नहीं आएगा, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आया हुआ है। कोरोना से सब पीड़ित राज्य हैं, और अभी किसी भी भर्ती और किसी भी क्या बोलते हैं प्रवेश पत्र एग्ज़ाम के बारे में सरकार अभी नहीं सोच पा रही है, तो इसका एडमिट कार्ड अभी जून जुलाई तक नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब भी इसका एडमिट कार्ड आता है हमारे अगले वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे अगले वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के भर्ती के बारे में बात करेंगे।